पीएम मोदी विदेशी दौरे पर थे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के बाद वो कतर रवाना हो गए थे, लेकिन कतर से स्वदेश लौटने के बाद वो तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। लेकिन इन तीनों में एक दौरा बेहद ही खास है, वो है जम्मू कश्मीर का दौरा। कश्मीर के हालातों को लेकर बयानबाजी लगातार होती रहती है। जब से कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, वहां अमन और चैन की धारा बहने का दावा सत्ता पक्षी पार्टी द्वारा किया जाता है, तो वहीं विपक्ष का मानना है कि कश्मीर में 370 की बहाली फिर से हो जानी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कश्मीर का जो रुतबा था वो कम हो गया है। इसके अलावा कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से भी लगातार बयानबाजी देखने को मिलती है, क्योंकि उनका मानना है कि कश्मीर पाकिस्तान का है, जिसे लेकर वो वैश्विक स्तर पर भी जहर उगलने से बाज नहीं आते। बहरहाल अब कश्मीर दौरे पर पीएम मोदी जाने वाले हैं तो पाकिस्तान में खलबली है, और इस खबर को सुनकर वहां क्या होने लगा जरा देखिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू का दौरा करने वाले हैं। पीएम यहां पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं कटरा से लेकर दिल्ली के लिए चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के भी शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। वहीं उधमपुर रेलवे स्टेशन को अमृत रेल श्रेणी में शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ पीएम मोदी एक रैली को भी यहां संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पीएम मोदी के दौरे को जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी बताया। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक बहुत बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब 20 फरवरी सुबह 11 बजे जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में जनमानस को संबोधित करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की जनता अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब से अथाह प्यार करती है। जो मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और खुशहाली लाई, जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट के लिए दिल खोलकर देश का खजाना मोदी साहब ने खोला, जम्मू कश्मीर के गांव हो या शहर हो, जम्मू हो या कश्मीर हो, हर जगह जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन अब आप देखिए कि पीएम मोदी के कश्मीर दौरे की खबर के बाद पाकिस्तान में किस तरह से हलचल मच गई है, खासकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले पीओके में। दरअसल भारत और पाकिस्तान आजाद तो एक साथ हुए, लेकिन भारत तरक्की में बहुत आगे निकल गया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद, हिंसा, गरीबी के कारण लगातार पिछड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए पीओके के लोग अब भारत में मिलना चाहते हैं। ये पीओके के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनकी जिंदगी नर्क के समान है, ऐसे में वो जल्द से जल्द भारत में शामिल होना चाहते हैं। वहाँ भारत में विलय की मांग दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रही है। खबरों के मुताबिक पीओके के लोगों का कहना है कि वो आधिकारिक रूप से भारत के निवासी हैं और अब हकीकत में भारत में मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। वहीं कश्मीर में हलचल देख पाकिस्तानी सरकार भी पीओके भाग पड़ी, क्योंकि उन्हें चिंता है कि कहीं पीओके में बगावत की लहर न तेज हो जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त पीओके में चल रहे हैं वो पाकिस्तानी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि जिस वक्त पीएम मोदी कश्मीर से हुंकार भरेंगे, पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।